नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 48। पेश है ये खास रिपोर्ट। पलवल की ओमेक्स सिटी में छोटे भाई की पत्नी को घर में अकेला देख जेठ ने उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बनाकर किसी को बताने पर वीडियो वायरल करने व जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने आरोपी जेठ के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी फरार बताया जा रहा है। पलवल की ओमेक्स सिटी में महिलाएं कितनी महफूज है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। जब एक महिला को घर में अकेला देख दिन दहाड़े उसके जेठ ने महिला को जबरन अपनी हवस का शिकार बना डाला और पीड़िता के चीखने चिल्लाने पे किसी को कानो कान खबर तक न लगी। महिला थाना प्रभारी कमला देवी ने बताया कि 21 वर्षीय महिला ने शिकायत दर्ज कराई है कि गत 5 जून को उसके पति व सास ससुर किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे और पीड़िता घर पे अकेली थी। उसी समय उसका 35 वर्षीय जेठ घर में घुस आया और पीड़िता को अकेला देख उसे जबरन अपनी हवस का शिकार बनाया। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उसके अश्लील फोटो खींचे और वीडियो भी बनाई। आरोपी ने पीड़िता को धमकी दी कि यदि उसने किसी को बताया तो फोटो और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा और उसे व उसके पति को जान से मारने की धमकी भी दी, जिसके डर से पीड़िता कई महीनों तक डरी सहमी रही और किसी को आप बीती नहीं बताई। मायके जाने पर डरी सहमी पीड़िता ने आप बीती अपनी मां को बताई। परिजनों की मदद से पीड़िता ने मामले की शिकायत महिला थाना पुलिस को दी। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराया और उसकी शिकायत के आधार पर आरोपी जेठ के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। मुकदमा दर्ज होने के बाद वुमेन सेल के डीएसपी विजय पाल भी अपनी टीम के साथ पीड़िता के घर मौका मुआयना करने पहुंचे और पुलिस को जल्द से जल्द कार्यवाही करने के आदेश दिए। हालांकि आरोपी फिलहाल पुलिस गिरफ्त से बाहर है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हमारे पास कंप्लेंट आई थी पीड़िता की, हमने पर्चा दर्ज करके मेडिकल करा के बयान करा दिए हैं और तफ्तीश जारी। अपने जेठ के खिलाफ मेरे साथ रेप किया है 2 महीने पहले, कोई वीडियो वगैरह की कोई सबूत पेश अभी हुए नहीं है। अब तक की खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 48।